फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी एंड वेलकम टू ब्रांड रिव्यू सीरीज। एक अच्छे स्टाइलिस्ट का काम होता है कुछ ऐसे ब्रांड्स की रिसर्च करना जो उसके क्लाइंट्स की एनर्जी, टाइम और पैसे तीनों बचा सके। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने सिल्क साड़ीज ब्रांड वर्कला को लेके, जो अमेजोन का टॉप रेटेड ब्रांड है। तो सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। वर्कला सिल्क साड़ीज एक सूरत गुजरात बेस्ड ब्रांड है जो 2009 में आया और 2014 तक इसने अपना नाम टॉप सप्लायर्स ऑफ इंडिया में 8 सिल्क साड़ीज में बना लिया था। तो सबसे पहली साड़ी जो मैंने पिल्क की है वर्कला से, वो है ये कांजीपुरम सिल्क साड़ी, जिसने मुझे कॉस्ट किया 1499 रुपीज। इसमें 11 कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो अवेलेबल हैं और आप ज़रूर ही कंफ्यूज हो जाएंगे मेरी तरह कलर कॉम्बिनेशंस को देखकर। 100-150 रुपीज़ का डिफरेंस आता है कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करने से। और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट चेक के साथ फ्यूशिया बॉर्डर है और इस साड़ी के साथ हमें काफ़ी डिफरेंट किस्म का ब्लाउज दिया गया है, ऑलमोस्ट आप उसे पल्ले से मैचिंग कह सकते हैं और आने वाली विंटर्स में वो ब्लाउज काफ़ी खूबसूरत लगेगा साड़ी के साथ। हाफ साड़ी में ब्लैक एंड व्हाइट चेक के साथ गोल्डन जरी की बूटियाँ हैं और पल्ले पर भी जरी की वीविंग है जो पल्ले को काफ़ी हैवी लुक देती है। मैंने इसको अपने प्लेन ब्लैक ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है विद कुंदन एयररिंग्स, बैंगल्स एंड रिंग। एक्सेसरीज की भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये एक क्लासिक डिजाइन है और आप ऐसे स्टाइल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना डरे हुए, क्योंकि ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं। प्योर सिल्क में ऐसे डिजाइन की प्राइसिंग काफी हाई होती है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको वर्कवेयर में साड़ीज पहननी पड़ती हैं तो ऐसी साड़ीज काफी अच्छी परचेज हैं। या अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ही कम साड़ीज पहनते हैं तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि आप महंगी साड़ीज में इन्वेस्ट करें। वर्कला सिल्क साड़ीज की लेंथ 5.5 मीटर्स होती है और 0.8 मीटर्स का ब्लाउज सारी साड़ीज के साथ आता है। और वर्कला के फाउंडर हैं मिस्टर कुणाल जैन और वर्कला मैन्युफैक्चर भी करता है, इंपोर्ट भी करता है और सप्लाई और रिटेल भी करता है। और ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये ब्लू बनारसी सिल्क साड़ी ने मुझे कॉस्ट किया है 1049 और इसके मोटिव्स को पिक्चर में ही देखकर इस साड़ी की मैं फैन हो गई थी। इसमें 5 कलर्स जो हैं वो और अवेलेबल हैं, बट ब्लू एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन एक काफी रिच कॉम्बिनेशन रहता है। इसके साथ ब्लू वीविंग का बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज जो है वो दिया है वर्कला ने, बट मेरे पास बेसिक ब्लाउजेस की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है तो काफ़ी रेयर ही होता है कि मुझे किसी साड़ी के साथ ब्लाउज बनवाना पड़े। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कॉन्ट्रास्टिंग फ्यूशिया कलर और एक्सेसराइज किया है इस साड़ी को मैंने जंक ज्वेलरी के साथ। और ये उन साड़ीज में से एक है जिसका पल्ला अगर आप खोल कर लेंगे तो साड़ी बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगी। केयर इंस्ट्रक्शंस में वर्कला मेंशन करता है कि साड़ीज़ को हैंड वॉश करें, बट सिल्क साड़ीज़ को हमेशा आपको ड्राई क्लीन कराना चाहिए। वर्कला एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है और वर्कला को अपने ब्रांड पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है और आपको ये तभी पता चल जाएगा जब आपको होगी साड़ी की डिलीवरी, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है। एक कपड़े के पॉलिथिन में ये सिल्क साड़ीज पैक होकर आती हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करता है कंज्यूमर के ऊपर। और साथ में आपको उस साड़ी के अंदर मिलता है एक कार्ड, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। वर्कला चाहता है आपसे एक जेन्युइन फीडबैक और यही बातें वर्कला को एक टॉप रेटेड ब्रांड बनाती हैं। वर्कला सिल्क साड़ीज का प्राइस रेंज 1000 रुपीज से 5-6000 तक है और ये मिंत्रा, आजियो, इंडिया मार्ट, शॉपर स्टॉक पर अवेलेबल है, बट सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और रीजनेबल प्राइजेस आपको अमेजोन पर ही दिखेंगे। और ऐसा क्यों है ये सिर्फ आपको वर्कला ही बता सकता है। और जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है वर्कला से, वो है ये पटोला सिल्क साड़ी, जिसने मुझे कॉस्ट किया 1359 रुपीज़। साड़ी का फैब्रिक कतान सिल्क है और जो
रेड बॉर्डर इस पर लगा हुआ है, उसे पैच किया गया है पूरी साड़ी के ऊपर। इसके साथ रेड ब्लाउज दिया गया है और ब्लाउज के ऊपर भी जरी का बॉर्डर है। पूरी साड़ी पटोला प्रिंट में है, वूवन जरी के वर्क के फ्लावर मोटिव हैं पल्लू के ऊपर, जिसमें टैसल्स भी लगे हुए हैं। साड़ी का मटेरियल काफी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, आप इसे किसी भी वेडिंग फेस्टिवल या कल्चरल इवेंट पर पहन सकते हो। इस डिजाइन में बहुत सारे और कलर्स भी अवेलेबल हैं। मैंने ब्लैक एंड रेड इसमें इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लैक एंड रेड कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता है ट्रेडिशनल साड़ीज में। और मैंने इसको एक्सेसराइज किया है अपने जंक एयररिंग के साथ और जंक ज्वेलरी के साथ। मैंने ब्रेसलेट पहना है और सच बताऊं तो मैंने साड़ी को काफी सिंपल स्टाइल किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये साड़ीज अपने आप में ही इतनी रिच होती हैं कि हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है ऐसी साड़ीज के साथ। आई होप आपको ये ब्रांड रिव्यू सीरीज अच्छी लग रही होंगी क्योंकि आपके सजेशंस और फीडबैक ही इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वीडियो की साड़ीज की कलेक्शन के अलावा जो भी पीसेस मुझे और अच्छे लगे हैं वर्कला साड़ी से, उन सबके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है हर एक पीस को मंगवाना, लेकिन मेरी जितनी भी रिकमेंडेशन है वो सब आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे एनकरेज करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।